नमस्कार दोस्तों, आप सभी नीट और जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट और जेईई मेन 2020 प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद अब जेईई मेन 2020 का आयोजन 1 से और 6 सितंबर के बीच, जबकि नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर तक शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता, हम सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा, छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों से यह भी पूछा कि क्या आप परीक्षाओं को रद्द करवाकर अपना एक साल बर्बाद करना चाहते हैं। तो आई होप आप सभी जो बच्चे प्रिपरेशन में हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, और जो बच्चे प्रिपरेशन में नहीं हैं ये सोचकर कि शायद एग्ज़ाम हो और ना हो, उनके लिए ये एक बुरी खबर है। एडमिट कार्ड्स की जहां मैं बात करूं तो NTA द्वारा आज जेईई मेन 2020 के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के चांसेस है। एजेंसी ने जेईई मेन एग्ज़ाम डेट 2020 के लिए 3 जुलाई को जारी किए गए एक पब्लिक नोटिफिकेशन में जानकारी दी थी कि जेईई मेन के लिए एडमिट कार्ड जो है वो 2020 के जो है परीक्षा की तारीख के 15 डेज बिफोर यानी 15 दिन पहले ही जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स परीक्षा पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार दिए गए लिंक से अपना होल टिकट प्रिंट कर पाएंगे। बात करो अगर नीट 2020 के एडमिट कार्ड्स के बारे में तो इसी सप्ताह आने के चांसेस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और आप चैनल पर नए हैं तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।